हाय किड्स, समीना किड्स टीवी की हिंदी लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला का संक्षिप्त परिचय देंगे और हिंदी वर्णों को पहचानना और उनका शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। बच्चों, हिंदी वर्णमाला हिंदी के 13 स्वर यानी वॉवेल्स और 39 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों के समूह को कहते हैं। आधुनिक हिंदी में मूल स्वरों की कुल संख्या 11 मानी जाती है। अनुस्वार अर्थात चंद्र बिंदु एक नुक्ता अक्षर के ऊपर लगता है, विसर्ग एक अर्थात वर्ण के पीछे दो बिंदु लगाए जाते हैं, दो नुक्ते। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो आइए एक बार इन 13 स्वर वर्णों को पहचान कर इनका उच्चारण करना सीखते हैं। आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन अह। तो ये हिंदी वर्णमाला के 13 स्वर वर्ण हैं। तो चलिए इसी के साथ व्यंजनों का भी एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। मूल व्यंजनों कॉन्सोनेंट की कुल संख्या 33 होती है। का से हा तक के वर्ण मूल व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र व्या और श्रा। ये संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ल और धा है। इनको दो गुण व्यंजन क्यों कहते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार व्यंजनों को पहचान कर उनका उच्चारण करना सीखते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, या रा ला वा, शा शा सा आ, छा त्र ज्ञा श्रा ढा ला। तो बच्चों, ये रहे हिंदी के 39 व्यंजन। इनके शुद्ध उच्चारण के लिए वीडियो को रिपीट करके बार बार आप भी साथ में पढ़िए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।